आदत तो अच्छी है जीत की साहब, लेकिन कुछ जगहों पर हार जाना बहुत ही बेहतर होता है। ये लाइनें मैंने कांग्रेस के लिए बोली हैं। 5 राज्यों के चुनाव आ चुके हैं, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं कहेंगे। उन चुनाव के नतीजों में 3 वो राज्य जहां ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा था, उन महान पत्रकारों के द्वारा, ग्राउंड रिपोर्टर्स के द्वारा, जिनको लाखों व्यूज यूट्यूब पे आते हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा था यहां पे कांग्रेस की लहर है। लेकिन दुर्भाग्य से वो पब्लिक का करंट नहीं पहचान पाए और वहां कांग्रेस मुंह की गिरी है। जो मैंने पंक्तियां बोली कि जीतना जरूरी है लेकिन कहीं कहीं हारना उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो रवि शास्त्री ने एक बात बताई थी कि महेंद्र सिंह धोनी अक्सर एक बात बोला करते थे कि नॉकआउट मुकाबलों में जाने से पहले, मतलब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में जाने से पहले एक हार का स्वाद चख लेना चाहिए अगर आपकी टीम फुल फॉर्म में है तो। राहुल गांधी इस समय फुल फॉर्म में है। अभी ये कहा जा रहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतने के बाद मोदी की सेना पूरी तरह धराशाही हो जाएगी, ये सभी लोग कह रहे थे, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे सब यही कह रहे थे। लेकिन हुआ इसके उलट, कांग्रेस हारी। मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं, यहां कांग्रेस हारी है, राहुल गांधी नहीं हारे। राहुल गांधी की असल में जीत हुई है। आंकड़े बताऊंगा अभी आपको आगे चल के और क्या क्या वजह है वो ही बताता हूं। बहुत ज्यादा लंबा नहीं घसीटूंगा कि आपको 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट तक लेके जाऊं, इतना नहीं। कांग्रेस हारी, राहुल गांधी क्यों नहीं हारे उसकी पहली वजह बताता हूं मैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो चुनाव लड़ रहे थे वो कौन लोग लड़ रहे थे? कांग्रेस नहीं, कमलनाथ मुख्यमंत्री के फेस से। कांग्रेस नहीं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के फेस से। कांग्रेस नहीं, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के फेस से चुनाव लड़ रहे थे। इनका हारना तय था पहले से ही। एक तो इनकी एरोगेंसी, दूसरा कांग्रेस के नेताओं के बीच इनका सामंजस्य, तीसरा जब आप जातीय जनगणना की बात करते हैं तो सिर्फ बात करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं देना। चौथा, दलितों को बिल्कुल ही नकार देना, दलितों को केवल वोटर समझना। इन तीनों जगहों पर दलितों के वोटर के साथ कोई भी कार्य नहीं किया गया, किसी ने काम नहीं किया। कमलनाथ एरोगेंसी में बने रहे, उनकी किसी से पटी नहीं। रूपेश बघेल, माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे, वो हारे। तीसरा, राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खींचतान रही और अशोक गहलोत ने अपनी मनमानी चलाई, वहां पर मनमानी चलाने के बाद अपने लोगों को उन्होंने टिकट दी कि मेरे जनाधार ज्यादा रहे, मेरे विधायक ज्यादा रहे, अगर जरूरत पड़े तो वो हारे। ये सभी तो कह ही रहे हैं, मैंने भी उसमें एनालिसिस किया तो यही था। लेकिन जो प्रमुख वजह रही, अति पिछड़ी जातियां और दलित को उन्होंने तवज्जो नहीं दी, इसलिए वो हारे। ये और बुरी तरह हारते अगर राहुल गांधी वहां नहीं होते। राहुल गांधी पर जनता का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है, इनका परसेंटेज 30% से नीचे आ जाता। ये वो पत्रकारों की बात बता रहा हूं जिनको आम पब्लिक देखती नहीं है, उनके व्यूज 2,000, 3,000, 10,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 आते हैं। ये सही नब्ज टटोल के बता रहे थे। लाडली बहन किस तरीके से कार्य कर रही थी ये बता रहे थे। लोगों ने जो योजनाएं चल रही हैं उनको वोट देना ज्यादा सही समझा उसके बजाय वादों के। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़े। कांग्रेस ये कहती रही कि हमने लोगों को न्याय दिया है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है, लेकिन रोकथाम की कोई भी चीजें उन्होंने नहीं करी। दलित वोट जिस तरह से कांग्रेस से शिफ्ट हुआ,
शुरुआत में जब 1990 के दौर में वो अब वापस कांग्रेस की तरफ नहीं आ रहा है, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई चाहता है, वो सामाजिक सुरक्षा चाहता है। उसके लिए बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते, उसके लिए लाठी खाना बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, राजस्थान में भी आपने देखा, उसमें यह है कि वो कांग्रेस को कम आंक रही है, बशर्ते कि भाजपा को ज्यादा पसंद इसलिए कर रही है कि कहीं उसको ज्यादा सुरक्षा मिल रही है। आज तो मैं सोशल मीडिया के दौर पर हर जगह की बातें पता चल जाती हैं, लेकिन हो सकता है इन राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार रही हो तो इन पे अत्याचार ज्यादा रहे हो। नगद योजनाएं भी बहुत फायदेमंद रही, जितनी भी नगद योजनाएं थी सभी को फायदेमंद रहा। राजस्थान में अशोक गहलोत ने चिरंजीव के नाम पर वोट मांगे, 25 लाख का इंश्योरेंस दिया, एक तरीके से कह सकते हैं आयुष्मान पर उसको बेहतर दिखाया, लेकिन कितने लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। ये जो चीजें थी, जो चीजें चल रही थी उस पर लोगों ने वोट किए, लेकिन जो चीजें वादे में आई उस पर लोगों ने वोट नहीं किया है। राजस्थान का वैसे भी रिवाज रहा था कि राज बदलना चाहिए, तो उन्होंने कांग्रेस को बदल के भाजपा को चुना। मध्य प्रदेश में लोगों को लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं, जो सांसद उतारे गए उसकी वजह से और लाडली बहन योजना सबसे ज्यादा फायदेमंद रही। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि यहां पर महिलाएं ज्यादा वोट करना शुरू कर चुकी हैं भाजपा को, क्योंकि आर्थिक जितनी भी सहायताएं हैं वो महिलाओं के अकाउंट में, ये कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है अभी तक। खासकर कांग्रेस की वो नेता जो मुख्यमंत्री के लिए आतुर रहते वो ध्यान नहीं दे रहे, उनके पास इस चीज की कोई रणनीति नहीं है। अब मैं क्यों कह रहा था कि राहुल गांधी, कांग्रेस हार गई है लेकिन राहुल गांधी जीत गए। अब 2019 के वो राहुल गांधी नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद शायद वो राहुल गांधी खत्म हो चुके हैं। नए राहुल गांधी के पास अब सिर्फ दो चुनौती बची थी, एक कमलनाथ की थी, एक अशोक गहलोत की थी। अशोक गहलोत का ड्रामा हम लोग पहले भी देख चुके थे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, हार के बाद इन दोनों नेताओं का कद जीरो पे आ गया है, फर्श पे आ गया। अभी अर्श पे चल रहे थे, फर्श पे आ गया। राहुल गांधी की दो चुनौतियां थी वो भी खत्म हो गई। अब पूरे देश में कांग्रेस के लिए जो डिसीजन है वो राहुल गांधी लेंगे। कहीं से एक विरोध के स्वर आते तो मध्य प्रदेश में अगर इनकी सरकार आ जाती तो कमलनाथ करते, अगर राजस्थान में इनकी सरकार आ जाती तो अशोक गहलोत करते, छत्तीसगढ़ में अगर इनकी सरकार आ जाती भूपेश बघेल करते, लेकिन एक विरोध के स्वर बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब जो डिसीजन होगा वो राहुल गांधी और उनकी टीम का ही होगा। मध्य प्रदेश का एक क्लैश हुआ था, हमें भी अच्छे से याद है, जब कमलनाथ का अहंकार बोला थे अखिलेश विखिलेश, तो सपा ये कह रही है कि नहीं अखिलेश ने कांग्रेस को वहां हरा दिया, लेकिन अगर आप रिजल्ट उठा के देखेंगे तो एक या दो सीटों के अलावा सपा ने कोई भी इंपैक्ट नहीं डाला है। अब क्या है कि अब क्या होगा इंडिया गठबंधन का, अब आप ये लिख के रख लीजिए कहीं, जो गठबंधन होने जा रहा है इंडिया गठबंधन, खासकर हिंदी बेल्ट की जगह, बिहार का तो आपके सामने है लेकिन अब मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बीएसपी के साथ कांग्रेस आगे जाएगी, बहुजन समाज पार्टी के साथ अब कांग्रेस गठबंधन करेगी। ये ज्यादा मुफीद है इसके कि समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन होना। बीएसपी ने लगभग 20 सीटें मध्य प्रदेश और 20 सीटें राजस्थान में, कुछ जगह कांग्रेस को डेंट दिया, कुछ जगह बीजेपी को डेंट दिया, उसने अपनी ताकत का फिर से एहसास जताया, दिखाया लोगों को। उसने वोट परसेंटेज कुछ डाउन हुए, सीटें कुछ डाउन हुई, राजस्थान में 6 थे पिछली बार की विधानसभा में, लेकिन इस बार उनको 2 ही मिले, वोट परसेंट लगभग 3 के आसपास रहा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बीएसपी और कांग्रेस सबसे मुफीद होगा, उसकी वजह है, मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का टोटल वोट ऑफ परसेंट था 46.27%, वहीं कांग्रेस का है 42.23 और बीएसपी का है 2.05%। मतलब
86% पे आपकी बीजेपी है और बीएसपी और प्लस कांग्रेस को भी अगर मिला देंगे तो लगभग लगभग 44% का 44% का वोट परसेंट बनता है। कितना कम है? 2%। 2% ही तो कम है। आते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है, बीजेपी का 48.55% है, कांग्रेस का 40.40 है, बीएसपी 3.40, अप्रॉक्सीमेट इनका भी बन रहा है 43.8, 5% ही लगभग कमा रहा है। राजस्थान का देखिएगा, राजस्थान में बीजेपी का 41.69 है, कांग्रेस का 39.53 है, बीएसपी का 1.82 है। लगभग लगभग बीएसपी और कांग्रेस मिलके बीजेपी के बराबर ले रहे हैं। तेलंगाना की भी स्थिति बहुत ही अच्छी है, बीजेपी है 13% पे और कांग्रेस है 39.4, प्लस बीएसपी का अगर 1.37 भी जोड़ देते हैं तो 40% बनता है। दोस्तों एक चीज कंफर्म होती है, लोकसभा के चुनाव परसेप्शन से जीते जाते हैं, लहर से जीते जाते हैं। अगर आप बीएसपी और कांग्रेस के वोट को भी मिला देंगे, जैसे लोग कह रहे थे कि कभी भी कांग्रेस के वोट बीजेपी से ज्यादा पड़े हैं लेकिन सीटें कम आई हैं, सरकार नहीं बना पाई, यही अगर आप बीएसपी के वोट मिला देंगे तो बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। ये सीटें शायद पैरेलल होती, बराबर होती। इसका साफ कहने का मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, जैसे आपने यूपी के चुनाव में देखा था तो बीजेपी के खिलाफ लोग थे, उन्होंने सपा को वोट किया। यही अगर यूपी के अंदर बीएसपी प्लस कांग्रेस का गठबंधन होता है तो एक तरफा वोटिंग होगी, मुस्लिम, दलित और अति पिछड़ा वर्ग एक साथ क्लंप होकर वोट करेगा और ये वोटिंग परसेंटेज 50% के प्लस जाएगी। ये स्थिति है। अगर सपा के साथ गठबंधन होता है तो मुस्लिम प्लस यादव, इसके अलावा 1-2% की वोटिंग और होगी, 40% भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी जाएगी, यही स्थिति राजस्थान में भी जाएगी, यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी जाएगी। कांग्रेस जब बीएसपी के साथ गठबंधन करेगी तो 40% तो प्लस है ही है, अभी से प्लस है, हवा में लहर में अगर जाया जाएगा तो ये 50% प्लस हो जाएगी। और यही मायावती सोच के बैठी थी कि मैं गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगी, उन्होंने अपनी ताकत दिखानी थी, उन्हें एहसास दिखाना था कि हमारा वोट परसेंटेज जो है सपा से बहुत ज्यादा है। और मध्य प्रदेश में सपा का जो वोट परसेंटेज रहा है 0.4 रहा है और छत्तीसगढ़ में तो और भी 0.04% रहा है। राहुल गांधी और मायावती में कोई बहुत तल्खियां नहीं है, सोनिया गांधी और मायावती की बहुत अच्छे से बनती है। दक्षिण को जिस तरीके से कांग्रेस ने बंद कर दिया है उसमें अगर मायावती जी का भी तड़का लग जाएगा, जाके बीएसपी का तड़का लग जाएगा तो पूरा साफ कर देंगे। इधर जैसे ही आते हैं तो राहुल गांधी की चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं, राहुल गांधी का विरोध उन्हीं की पार्टी में अब लगभग खत्म हो चुका है। राहुल गांधी अति पिछड़ा पिछड़ा दलित की बात करने लगे हैं, जाति जनगणना की बात करने लगे, शिक्षा की स्वास्थ्य की बात करने लगे, ये लोगों को पसंद आ रहा है, ये इनके नेताओं ने नहीं किया था। जाति समीकरण संभालने के लिए उनके पास मायावती जैसी एक कुशल रणनीतिकार होगी, तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, फिर छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां भी ये दोनों मिलकर इस चीज को सील कर देंगे और रणनीति यही चल रही है। जिस तरीके से सपा का प्रदर्शन अन्य राज्यों में रहा है और जिस तरीके सपा सोच रही कि नहीं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी दल है, उसकी वजह भी केवल यही थी कि वो उस वोट जो है उसको मुसलमान का, यादवों का और भाजपा से रूठे हुए लोगों का था, उसके पास उस समय वो ऑप्शन था। अगर ये ऑप्शन मीडिया बीएसपी का बनाई होती तो बीएसपी का होता, लेकिन 2024 के चुनाव में सपा के पास बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज नहीं जाने वाला है। सबसे मुफीद है कि अब मायावती इधर से किलाबंदी करेंगी, दक्षिण से अपना कांग्रेस किलाबंदी करेगा अपनी टीम के साथ,
तो जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो मोदी जी के लिए बहुत खतरा देने वाला है, खासकर उस गुजरात लॉबी के लिए, अमित शाह के लिए भी, पूरी भाजपा की टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये हारना चुनाव राहुल गांधी के लिए बड़ा मुफीद रहा, मायावती के लिए बड़ा मुफीद रहा, लेकिन उन लोगों के लिए जो 2024 में ये कहते हैं कि राजा जा रहा है, उनके लिए भी बड़ा मुफीद रहा है। क्योंकि वाकई इन चुनाव के रिजल्ट के बाद रणनीति बदलेगी, अब जो राजनीति होगी दलित और अति पिछड़ा सेंट्रलाइज्ड होगी, और ये दलित और अति पिछड़ा बीजेपी को वोट नहीं करेगा कब, जब कांग्रेस और मायावती का गठबंधन होगा। आप देखते जाइए आगे क्या होने वाला है, तब तक बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।